Hi, my sister, I love my sister. She has made an awesome food today. Awesome. I love it. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, देखो यहाँ पे पी रही है मैंगो फ्रूटी। हाय करो, तो हम लोग यहाँ गन्ने का जूस पी रहे हैं और बच्चे लोग फ्रूटी पी रहे हैं। किट्टू आ जाओ। पीहू क्या पी रही हो बेटा, क्या पी रही हो? ये देखिए हस्बैंड कैसे सिप पे सिप मारे जा रहे हैं। उफ उफ, आप अपना पियो, मेरा भी पी रहे हैं, आप अपना पियो। तुम्हारा फोन भी बन गया होगा, 10-15 मिनट हो गया ना शायद। ओके गाइस, चलते हैं, आई थी यहाँ फोन रिपेयर कराने। तो अभी टाइम हुआ है, 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। बेटी मेरी सो रही है, देखिए बेटी मेरी सो रही है। और शाम का टाइम है, अभी शाम का टाइम हो गया है। किट्टू गया है नीचे साइकिल चलाने और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने। एक चैन रिपेयरिंग वाला आता है, उसकी आवाज़ ना सुनाई देती रहती है। गई थी मोबाइल के शॉप पे मैं मोबाइल बनवाने, तो मोबाइल तो मेरी बन चुकी है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई जो बार बार मुझे वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो वैसे आज तो मैं उसमें नहीं लगूंगी, अब कल ही लगूंगी। तो अभी चलो बना लेती हूँ चाय, फिर मिलते हैं। और ये शाम की देखो हमारी पूजा भी हो गई, पूजा कर लिया मैंने। और पूजा करने के बाद फटाफट से लग गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए, और कोई आने वाला है खाना खाने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा, कोई सस्पेंस नहीं है, अभी जस्ट पता ही चल जाएगा। तो बस ये मैंने आलू बॉईल किया था, तो आलू को मैं छील ले रही हूँ, तो उनको सोयाबीन पसंद है, तो इसलिए मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी आलू मिक्स करके, और खीर और पूड़ी, और बस और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बेटी के बर्थडे में बनाया था इतना सारा खाना। तो एक्चुअली दूसरे दिन मुझे बनाने का तो मन नहीं था, ऑयली ऑयली फिर से, लेकिन अब वो आ रहे थे, एक्चुअली हमारे भैया लगते हैं, उन्होंने सिस्टर का बहन का रिलेशन रखा है उन्होंने मुझसे, मैं उनको राखी बांधती हूँ, तो वही खाने के लिए आ रहे थे। क्योंकि बर्थडे हमने इस बार उतना धूमधाम से मनाया नहीं, बस अपने घर में ही केक काट लिए थे, तो किसी को इसलिए बुलाया भी नहीं था, नहीं तो उनको ज़रूर बुलाते। पिछली बार तो हमने बहुत ही अच्छे से धूमधाम से किया था, उनको बुलाए थे, तो उन्हें ऐसा ही लगा कि बर्थडे अकेले अकेले मना लिया, बुलाया नहीं, बट ऐसा कुछ था नहीं, बुलाते तो सबको बुलाते, इसलिए किसी को बुलाया ही नहीं था। तो संडे का दिन था, उन्हें छुट्टी थी, उनको संडे तो सबको छुट्टी होती है, तो वो आए थे, हमने कहा आ जाइए फिर खाना वाना यही खाइए। उन्हें खीर पूड़ी उनको खाना था, उनका फेवरेट आलू, वो आलू नहीं वो सोयाबीन की सब्ज़ी उनका फेवरेट है, तो मैंने खीर पूड़ी, और क्योंकि उनको मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, राखी में आते हैं रक्षाबंधन पे, तो मैं उनको राखी बांधती हूँ, खीर और बनाए रहती हूँ, तब से वो खाएं तो भूलते हैं खीर, मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वो आए थे, तो मैंने कहा चलो खीर पूड़ी और सब्ज़ी बना देती हूँ। और गई थी ना मैं दोपहर में अपना फ़ोन बना रहे, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए फ़ोन बना के फटाफट से आई, घर के सब काम छोड़ के गई थी, आने के बाद घर का सारा काम किया, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट मैं शाम का ही। तो मेरी खीर यहाँ लगभग रेडी ही होने वाली है, और आलू बॉयल करके रखा ही है, और आटा भी मैं लगा ले रही हूँ कि गरम गरम पूड़ियाँ तल देती हूँ, पहले बच्चों को खिला दूँगी, एक्चुअली वो लोग अभी आए नहीं हैं, बस मैं खीर और सब्ज़ी रेडी कर दे रही हूँ, उनके आने पर उनके लिए पूड़ियाँ तल दूँगी। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह काजू बादाम किशमिश वगैरह मैं खीर में डाल के रेडी कर दे रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये सब्ज़ी बेचने वाला है तो उसी की आवाज़ आ रही है, कितना भी विंडो बंद कर दिया मैंने, डोर भी बंद कर दिया, फिर भी आवाज़ तो गूंजते ही रहती है, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं वो लोग। देखिए मेरी खीर बन के रेडी हो गई है, और सोयाबीन को भी मैंने पहले तेल में फ्राई करके निकाल लिया है, और बस ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो ये
प्याज मैंने डाल के अच्छे से इसको मैं भून लूँगी, और जब ये हल्का पक जाएगा और गल जाएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा तो फिर मैं उसमें मसाले डालूँगी, टमाटर डालूँगी, और ये खीर में मेरा चीनी बाकी रह गया था डालना तो वो डाल रही हूँ। और फिर वो सब्ज़ी में मैं टमाटर वगैरह उसे भी मैंने बारीक से मैंने कट करके रखा है, तो इसमें मेरे बाद में दूध भी डाल दिया था क्योंकि खीर तो मेरी पकी चुकी थी। तो चीनी डालने से ऐसे भी वो थोड़ा हो जाएगा पतला, पूरा पतला नहीं होगा पर जितना गाढ़ा है उससे थोड़ा बहुत हो जाएगा। और ये मसाले वगैरह डाल दिया है, तो मसाले देखो पक गए हैं, तेल अलग हो गया है मसालों से। अब इसमें मैं आलू सोयाबीन इसे भी मैं अच्छे से डाल के मिला दूँगी, तो थोड़ी देर में मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी। और बहुत ही स्पाइसी सब्ज़ी था, खाने में बहुत तीखा लगा था, उन्हें भी बहुत पसंद आया था। और फिर मैं ये पूड़ियाँ तल ले रही हूँ क्योंकि बच्चे को भी खिलाना बाकी था, अब उन लोगों का ज़्यादा वेट करते तो बच्चे रह जाते, तो मैंने कहा चलो बच्चों को पहले खिला देती हूँ, फिर उसके बाद जब वो आएंगे फिर मैं तल दूँगी और खाना भी दे दूँगी। तो देखिए पीहू आ रही है बार बार, उसे भूख लगी थी, वो तो मेरे पास आती है, मैं किचन में रहूँगी तो मेरे पास ही आके खड़े हो जाती, उसे दे दिया तो तोड़ तोड़ के वो खा रही है। और ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत ही लेट तक पहुँचेगा क्योंकि मैंने पहले वैलेंटाइन डे वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था, और ये रह गया, ये उसके पीछे का है, ये 13 तारीख का है वीडियो, बट मैंने कहा पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसे मैंने पहले अपलोड कर दिया कल, फिर ये डाल रही हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को भी अगर अच्छा लगे तो। तो बस बने रहिए वीडियो में। तो ये देखिए कौन आया है हमारे घर, ये भैया हैं, इनकी ही बात कर रही थी मैं, तो आए तो मैं खाना मैंने लगा दिया तो खा रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं आप यूट्यूब में दिख रहे हो, कैमरे में दिख रहे हो, आप यूट्यूब में चले जाओगे आपका वीडियो बन रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा शौक हो गए, हंसने लगे, और ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए हमारे घर पे कौन आए, भैया आए हैं। थैंक यू फॉर योर खीर, थैंक यू फॉर योर सोयाबीन, आई लव इट। और यहाँ पे भैया खाना खा रहे हैं और खाने की मेरी तारीफ कर रहे हैं ऐसे। करना है इसको, लैपटॉप ले आए बेटा, दिखा दो जल्दी। चलिए भैया हाय करिए। हाय माय सिस्टर, माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर, शी हैज मेड अ ऑसम फूड टुडे। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आई वुड लव टू हैव सब्सक्रिप्शंस। तो बस ये खाना खाने आए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लैपटॉप का है किचन में रखा है, तो बस अभी गरम गरम पूरी बना रही हूँ और इनको खाना दे रही हूँ। यहाँ डालो, टेबल डालो और लैपटॉप। ओके ओके, चालू कर दो। देखिए फ्रेंड्स, गरमा गरम पूड़ियाँ तल रही हूँ, आए हुए हैं भैया, तो मैंने थोड़ा तल के बच्चों को खिला दिया था, बाकी मैंने आटा रख दिया था कि जब वो आएंगे तो गरम गरम बनाऊंगी, तो अभी आए हैं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वो ज्योति पियो ना, अरे पापा से नहीं प्यार करती, घूमने से प्यार करती है, सो के जब उठती है ना तभी उसको लगता है कि पापा आ गए। भैया खाना खा लिए थे तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे उन्हें नीचे छोड़ने, और बच्चे दोनों रो रहे थे जाने के लिए, पापा के पीछे पीछे रोते ही हैं। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक का, वीडियो अच्छी लगी तो